और साहब आप ये बताएं कि कभी देखा जाए तो शुरू से ही जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी राजनीति का गढ़ रहा है और आप संसद में भी देख रहे हैं, यहाँ से कई युवा चूंकर भी बाद में भारत को एक तरह से राजनीतिक रास्ता भी दिखाए हैं। और संसद में क्या हो रहा है कि उपराष्ट्रपति साहब की जो कि वयोवृद्ध भी हैं, 72 सालों की उम्र है, तजुर्बेकार हैं, राज्यपाल भी रह चुके हैं, फिलहाल अभी उपराष्ट्रपति हैं, उनकी मिमिक्री की जा रही है और सारे सांसद बेशकीमती वोट से को हासिल करके और संसद में जो सांसद चुन के जाते हैं वो एक तरह से खिल्ली उड़ा रहे हैं, रिकॉर्डिंग की जा रही है। क्या लगता है आपको, देश के युवा क्या सोच रहे होंगे इसे लेकर? देश का युवा ये सोच रहा होगा कि ये गलत है। और सबसे बड़ी बात है, जो बड़े नेता है कांग्रेस पार्टी के, वो वीडियो बना रहे हैं, उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। एक सांसद, तृणमूल कांग्रेस का सांसद, वो देश के उपराष्ट्रपति, तो देश में ही नहीं दुनिया में एक पहचान होती है उपराष्ट्रपति, हमारे देश को रिप्रेजेंट करते हैं दुनिया के। बिल्कुल सर। और आप उनकी मिमिक्री कर रहे हैं, तो ये उनको ही शर्म आनी चाहिए। और दूसरी शर्मनाक बात उन लोगों के लिए है जो उसकी वीडियो बना रहे हैं। राहुल गांधी वीडियो बना रहे हैं, वो उसको रोक सकते थे। हो सकता है राहुल गांधी को उसमें बहुत बड़ा यादें संजो रहे हो, कुछ ऐसा लगता हो? यादें क्या संजोएंगे, वो तो सदन चलाते हैं, वो उपराष्ट्रपति साहब हैं, सदन चलाते हैं, राज्यसभा को चलाते हैं, तो यादें तो उसमें बहुत सारी हैं, तो देख लेंगे उसके अंदर। लेकिन बात यह है कि किसी को टारगेट करना और इस प्रकार से टारगेट करना, ये कहीं ना कहीं सही नहीं माना जा सकता है। और राजनीति बहुत बुरे स्तर से गुजर रही है इस समय, जो मुझे लगता है विपक्ष के द्वारा। विपक्ष अपनी फ्रस्ट्रेशन में तमाम तरह की बातें प्राइम मिनिस्टर को कहता है। प्राइम मिनिस्टर को लेकर के बहुत सारे कार्टून्स बनाए जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर को लेकर तमाम सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। 100 से ऊपर गालियां पार हो चुकी हैं। क्यों करी जाती? इस देश के प्रधानमंत्री का दोष क्या है, नरेंद्र मोदी जी का दोष क्या है? उनका दोष यह है कि वो गरीबी से निकल कर आए, उनका दोष यह है कि वो गरीबी से निकल कर आए और पिछड़ी जाति से निकल कर आए, उनका क्या ये दोष है कि वो चाय बेचते बेचते इस देश की राजनीति के अंदर सर्वोच्च पद को प्राप्त कर लेते हैं, ये उनका दोष है क्या? अरे ये दोष नहीं है, खूबसूरती है देश की डेमोक्रेसी। अगर आप देश के प्रधानमंत्री जो कि ऐसे तबके से निकल कर आया है, और अगर आप उसके बारे में अनर्गल आलाप करने लगते हैं, अनर्गल बातें करते हैं अपनी बैठकों में, अपनी मीटिंग्स में, पब्लिक रैलीज के, तो ये किसी भी हद तक कभी भी इसको सही नहीं कहा जा सकता है। और बार बार आप देखेंगे कि चुनावी राजनीति में विपक्ष को मुखी खानी पड़ती है। प्राइम मिनिस्टर को लेकर के जैसे ही कोई शब्द बोला, गलत शब्द बोला गया, जनता उस पर रिएक्ट करती है। और उस रिएक्शन का परिणाम आप देखिए, अगर राजस्थान में राहुल गांधी जी उस तरह के भाषण के अंदर प्रधानमंत्री जी के बारे में नहीं बोलते, उल्टा उस शब्द को मैं बोल भी नहीं सकता, तो हो सकता है कि चुनाव का परिणाम कुछ और हो। हम ये तो नहीं कह सकते कि सरकार कांग्रेस की बन जाती, परंतु परिणाम में कुछ बदलाव जरूर होता, सीटों में कुछ अंतर पड़ता, सीटों में जरूर अंतर होता। लेकिन क्योंकि वो जनता से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और जनता को लगता है कि वो मेरा अपना घर का हिस्सा है ना, बहुत लंबे समय के बाद देश की राजनीति के अंदर ये दौर देख रहा हूँ, क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंटिस्ट नहीं हूँ, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ, एक लंबे दौर के, विनोबा भावे, गांधी, आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया, ये जो लीडर्स थे ये जनता को कनेक्ट करते थे, जनता को कनेक्ट करते थे, जनता के अंदर वो जीते थे। बहुत सालों के बाद इस देश का ये सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी जैसे प्राइम मिनिस्टर हमको मिले, जो प्रत्येक देश के नागरिक के दिल में है ना। जैसे स्वामी रामतीर्थ ने कहा ना कि एक राष्ट्र की परिभाषा जो है वो तो भारत के हिसाब से है, कि जो व्यक्ति चलता है तो भारत भी चलता है, उसी तरह से जो देश की जनता सोचती है उसी को नरेंद्र मोदी भी सोचते हैं।
यानी कि नरेंद्र मोदी की सोच और जनता की सोच एक जैसी हो जाती है, और इसलिए इस तरह के जो शब्द बोले जाते हैं वो हमेशा रिएक्शन होता है, और रिएक्शन में विपक्ष की हालत क्या हो जाती है वो आपको ये 2-3 चुनावों में आराम से दिख रहा हूँ। कांग्रेस कहते हैं कि राहुल गांधी बड़े ही बन जाते हैं, मैकेनिक बन जाते हैं, ड्राइवर बन जाते हैं, और वो भी जनता को जीतते हैं, जनता के बीच से ही हैं और जनता को समझते हैं, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, एक बारी डिबेट हुई तो उस डिबेट में अम्बेडकर जी ने कहा कि मुझे अनटचेबिलिटी, असपर्शता, मुझे तिरस्कार, वो किताब में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, समझने की आवश्यकता नहीं है, वो मैंने झेला है। तो राहुल गांधी जी को कारपेंटर के पास जाने की ज़रूरत है, पर नरेंद्र भाई मोदी को जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो करके आए हैं, है ना? उनको सफाई कपड़े साफ करने वाले या झाड़ू मारने वाले हमारे सफाई बंधु, सफाई कर्मचारियों के पास जाने की आवश्यकता है, पर नरेंद्र मोदी जी को आवश्यकता नहीं है। कारण क्या है कि उन्होंने अपने जीवन पर किया क्या है, उतना संघर्ष में जीवन उनका रहा है, आप कल्पना नहीं कर सकते। अब कल्पना करके देखिए, स्वयं एक गरीबी में जन्म लेते हैं, बड़ा परिवार होता है, उस परिवार का कैसे संचालन हो रहा है, क्या उनको करना पड़ रहा है, प्रचारक होते हैं तो प्रचारक जीवन में वो क्या कर रहे हैं, कई सारे उनके चित्र निकल कर आते हैं जहाँ वो सफाई कर रहे हैं, परिवार वगैरह का बहुत सारा। तो ये सारी जो चीजें हैं राहुल गांधी को किताबों में पढ़ कर के समझते हैं, राहुल गांधी उसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद फिर जा करके वो देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। नरेंद्र भाई मोदी को उनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ना उनको जाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता, वो खुद ही है। अरे वो खुद ही पिछड़े समाज से, कारपेंटर भी पिछड़े समाज का हिस्सा है, वो पिछड़ों की फीलिंग को जानते हैं, समस्याओं को जानते हैं, इसलिए समाधान की ओर बढ़ते हैं। सबसे ज्यादा कैबिनेट मिनिस्टर पिछड़े हैं इस समय, ये बड़ी बात है, है ना? तो और खुद प्राइम मिनिस्टर पिछड़े समाज के, है ना? तो उनको कहीं इन पे सब जाने की जरूरत नहीं। और तमाम सारे प्रोग्राम्स हैं, अभी विश्वकर्मा जी के नाम पर एक योजना शुरू करी है नरेंद्र मोदी, तमाम सारे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को लेकर के जो प्रोग्राम्स बनाए हुए हैं वो किसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, वो सारे के सारा हुनरमंद स्कीम्स किसके लिए है, ये सब उसी समाज के लिए जहां राहुल गांधी अब जा रहे हैं, और मोदी जी ने उसको 5 साल पहले पॉलिसी बना करके उनको इम्प्लीमेंट कर दिया, और उसके बहुत सारे हुनर हाट लगते हैं देश भर के अंदर, जहां पर उनको आर्थिक रूप से संपन्नता आ रही है उनके जीवन में, है ना? तो दोनों के काम करने के तरीके में अंतर यही है, वो उसको पढ़कर समझने की आवश्यकता पड़ रही है, ये तो खुद ही भोगा हुआ है उस सारी चीजों।